रायसेन के शहर काजी जहीरुद्दीन ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरिफ अकील उन्हें 8 महीने से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। जहीरुद्दीन ने बताया कि जब भी वे अपने वेतन और हक की बात करते हैं तो आरिफ अकील झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देते हैं। रायसेन जिले के शहर काजी जहीरुद्दीन ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अधिकारियों पर दबाव बनाकर विगत 8 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा है। मसाजिद कमेटी के सचिव MM सलमान ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील के कहने पर मेरे हर काम में दखल अंदाजी करना शुरू कर दी है, मुझे निकाह तकमील करने से मना किया गया है। रायसेन के LDC फैजान सिद्दीकी को एक पत्र भेजकर दारुल कजा भोपाल में अटैच कर लिया गया है, जिससे दारुल कजा रायसेन में मुझे कार्य करने में परेशानी हो रही है। मेरे द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में इस संबंध में याचिका दायर की गई थी। न्यायालय द्वारा मेरे पक्ष में स्थगन आदेश पारित होने के बाद भी सचिव द्वारा निरंतर मेरे कार्य में हस्तक्षेप किया जा रहा है, यह न्यायालय की अवहेलना है। आरिफ अकील द्वारा सचिव पर दबाव बनाकर मेरा 6 महीने का वेतन रोक दिया गया है। मैं मदरसा चलाता हूँ दरगाह पे, गरीब बच्चे, क्योंकि रायसेन में बता दूँ इतिहास में कभी दरगाह पे या किसी भी जगह मदरसा नहीं रहा जिसमें बच्चे होस्टल से, जैसे भोपाल में तालीम मसाजिद तर्जुम वाली रही है। 2010 में पहली बार कुछ लोगों ने ताउन करके एक मदरसा कायम किया। मंत्री जी जो लोग ताउन कर रहे हैं मेरे मदरसे में, उनको फ़ोन करके कह रहा है इसको हटाना है, वहाँ से हटाइए आप इसको यहाँ से। मंत्री जी के भाई ओकावी शाही के सेक्रेटरी से को कह रहे हैं कि आप इनको मदरसा किस आधार पर दिया गया, इनको मदरसा हटाइए। क्या मंत्री जी वो मदरसे से इतनी दुश्मनी है तो भोपाल में और आरिफ नगर में इतना बड़ा मदरसा है उसको कोई परमिशन से चल रहा है क्या, वो उसे कर रहे हैं, उनके साथ पता नहीं उनको क्या मिलता है। भाजपा कार्यालय में कार्यकाल में कभी इस किस्म की हम लोगों को परेशानी नहीं आई, कभी धर्मगुरुओं को सताया नहीं गया जिस किस्म से आज हम अप्रैल से परेशान हूँ, मैं 16 अप्रैल से परेशान हूँ। जहीरुद्दीन ने कहा कि इस संबंध में मैंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भी अवगत कराया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। भविष्य में मेरे साथ कोई घटना दुर्घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार आरिफ अकील होंगे। इस संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से मुलाकात करके उनके रूबरू अपनी समस्या बताऊंगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।